जय हिंद साथियों, आज मैं यहाँ पर परिचय देने का मोहताज नहीं हूँ। मैं आज यहाँ पर परिचय देने या किसी बिंदु पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर एक दुखद खबर, आप सबको पता है क्या हो चुका है हमारे भारत में। हमने भारत के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जुझारू, बहुत ही ईमानदार सैन्य अफसर CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब को खो दिया है। जी हाँ, कल तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें हमारे भारतीय सेना के अनेक बड़े अधिकारी उपस्थित थे और उसी उपस्थिति में हमारे जनरल बिपिन रावत साहब, उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती मधुलिका रावत साहब थी, वह मृत्यु को प्राप्त हुए, वह शहीद हो गए। यहाँ पर मृत्यु शब्द नहीं, शहीद शब्द होगा यहाँ पर। बेहद दुखद खबर। एक ट्रिब्यूट उनके नाम है कि उनकी योगदान क्या है और वो आज इतने बड़े पद पर कैसे पहुँचे और आज उनके लिए पूरा देश रो रहा है, ऐसा क्यों? मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने NDA जो है उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त की। IMA देहरादून में स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। स्ट्रेटेजी और डिफेंस स्टडीज़ में MPhil लिया इन्होंने। इसके अलावा सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD किया। 43 वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव था इनका। ऊंचाई होती थी उसके युद्ध क्षेत्र और आतंकवादी विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ थे यह। इन्होंने सेना में आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। सैनिकों को मिलने वाली जो सुविधाएं थी उनमें बढ़ाने में भी इनका योगदान रहा। सेना में महिलाओं को प्रवेश दिलाने में भी इनका अहम योगदान रहा। भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय जनरल बिपिन रावत को ही दिया जाता है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रामक नीति अपनाई गई थी उसके समर्थक और उसको लागू करने वाले आदरणीय जनरल बिपिन रावत साहब ही थे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां, यानी कि दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर मारने का सपोर्ट करने वाले जनरल बिपिन रावत ही थे साहब। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया लेकिन ये इस शख्सियत के हकदार थे कि ये किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं थे। मेरे दोस्तों, आज जनरल रावत के निधन पर पूरा देश विलाप कर रहा है। हम, हमारी टीम एन अकेडमी, मैं चंदू जैन, आप सभी प्यारे साथी, हम आदरणीय जनरल विक्रम रावत साहब और सभी शहीदों को सत सत नमन करते हैं। भारत में बहुत कम ऐसा अवसर होता है कि मतलब शब्द नहीं है यार आज के लिए ना। गाइस, कुछ भी कहिए, आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इस तरह चले जाना हम मेरे पूरे भारतवासियों के लिए गहरा आघात है। वो भारत माता की रक्षा के लिए हर क्षण सदैव तत्पर रहते थे। बस हम इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और हर देशभक्त में उनकी जैसी देशभक्ति को पैदा करे। वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत का नाम रहेगा। मेरे प्यारे साथी, यह एक जनरल बिपिन रावत क्या बारे में उनके महान विचारों, उनके महान कार्यों की जानकारी आप लोगों के लिए साझा करने की हिमाकत कर चुका हूं। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूं। मेरे प्यारे साथी, एक बार पुनः मेरी ओर से, समस्त अनअकैडमी की तरफ से, समस्त विद्यार्थी परिवार की तरफ से आदरणीय जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।